from East West. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत चावला लाइव वास्तु में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको वास्तु एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। इस वास्तु एलिमेंट के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा टॉनिक है जिसे हर कोई लेना चाहता है और कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत सेक्रेट वास्तु एलिमेंट है मेरे पास। पीली कौड़ी की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। पीली कौड़ी की यह पाउच मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे हाथ में कौड़ी है, पीला रंग है इसका, इसमें हल्के हल्के डार्क कलर के ग्रीन कलर के स्पॉट्स भी हैं। ऐसी पीली कौड़ी बहुत ही रेयर मिलती है दोस्तों, और बिलीव मी, डुप्लीकेसी से बच के रहना है हमें। इसके ऊपर पीला रंग चढ़ा दिया जाता है, डाई कर दिया जाता है, तो वह बहुत गलत है, क्योंकि कौड़ी का पीला मिलना बहुत ही रेयर होता है। आप इस पीली कौड़ी के 9 दाने अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रखें। ओम श्री श्रेय का जाप करके इस कौड़ी के ऊपर आपने रखना है। पीली कौड़ी को अपने उल्टे हाथ में लेना है, सीधे हाथ में आपने एनर्जी डालनी है और फिर इसके ऊपर रखना है। उल्टा हाथ माता का हाथ होता है, सीधा हाथ पिता का हाथ होता है। तो जब हम एनर्जाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उल्टे के ऊपर हम सीधा हाथ रखते हैं और वह एनर्जाइज होती है। यह आपको बहुत ही अच्छा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि एनर्जाइजिंग किसी भी चीज़ को अपने बच्चे को फल देना है आपने, और अगर आप अपने उल्टे हाथ में फल रखिए, सीधा हाथ रखिए और भगवान का नाम लीजिए और कहिए कि भगवान इस फल में ताकत डाल, तो उस फल की ताकत 100 गुना हो जाएगी दोस्तों। तो साथ साथ पीली कौड़ी को भी आपने माँ लक्ष्मी के मंत्र से ओम श्री श्रीये नमः का जाप करते हुए एनर्जाइज करके अपने मंदिर में रखना है। तो समझ लीजिए, उस दिन से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म। पीली कौड़ी अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं, धन स्थान यानी कि चेकबुक के साथ, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लेडीज़ अपनी ज्वेलरी के साथ रख सकती हैं, तो समझ लीजिए उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। बिना वजह आपका वह धन खराब नहीं होगा। बिना वजह का मतलब है आप ज़रूरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो वह गलत इन्वेस्टमेंट नहीं है। फेक जितनी भी चीज़ें होती हैं उस पर की गई इन्वेस्टमेंट गलत होती है। पीली कौड़ी को आप अपने दरवाजे पर भी हैंग कर सकते हैं, क्योंकि दरवाजे पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। दरवाज़ा अगर आपका सुंदर होगा, चमकता हुआ होगा और पीली कौड़ी लटकी हुई होगी, तो माँ लक्ष्मी चंचला है, आती और जाती रहती हैं, तो हमेशा आएंगी, जाएंगी तो आएंगी ज़रूर। 9 ईस्ट वेस्ट।